हे गिटारिस्ट, सब कैसे हो यार। आज जो हम चैनल के ऊपर गाना करने लगे हैं उसका नाम है लट्ठे दी चादर। ठीक है, बेसिकली एक कॉर्ड मैंने इसलिए लिखा टाइटल पे क्योंकि आपकी शेप बेसिकली एक ही रहनी है। ठीक हो गया, ये आपकी शेप रहनी है, सस्पेंडेड वर्जन है ये। ठीक है, मतलब आपकी जो लिटिल फिंगर, पिंकी फिंगर और जो रिंग फिंगर है वो नीचे बी और ई स्ट्रिंग पे फिक्स रहेगी। ठीक है, और आपकी ऊपर वाली दो फिंगर्स मूव होंगी, ये है जी, ठीक है, जी सस्पेंडेड, ये है ई माइनर सस्पेंडेड, ये है सी सस्पेंडेड और ये है डी सस्पेंडेड, ये इस तरह। ठीक हो गया, ऊपर आपको डायग्राम शो हो रही होगी। तो बेसिकली इन चारों कॉर्ड्स में ये गाना ख़त्म। ठीक है, तो अच्छा, जो इसका मतलब जो कॉरस है, लट्ठी चादर कैसे लेटी रंग माहिया, आओ सामने बोलों दी। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका जी, ठीक है, ई माइनर और सी, फिर डी, फिर सी, फिर डी, फिर जी। ठीक है, मतलब जब भी आपने कॉरस गाना है तो आपने क्या करना है, ट्रांजिशन ऐसे जानी है, जी से ई माइनर से सी से डी फिर सी फिर डी फिर सी जी। ठीक है, ऐसे देख लो दोबारा, जी ई माइनर सी डी सी डी जी। ठीक हो, अच्छा श्रमिक पैटर्न की बात करते हैं। इसका श्रमिक पैटर्न बड़ा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सुनिएगा गौर से। अभी देखें, बेसिकली ये है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें इसको, पहला है डाउन, ठीक है, ठीक है, डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन। ये देखें गौर से, डाउन अप अप पहला पार्ट हो गया, डाउन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, पहला पार्ट है डाउन अप अप, दूसरा पार्ट भी डाउन अप अप और फिर है डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तीसरा पार्ट डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में इसकी स्ट्रमिंग कंप्लीट है। और फिर जो मतलब वर्स वाला पार्ट आता है, चन्ना वेके ना साडे वाले हसवे, चन्ना वेके ना साडे वाले हसवे। ठीक है, इस पे भी बेसिकली स्ट्रमिंग आपकी यही रहेगी। ठीक है, और जो कॉर्ड्स की ट्रांजिशन है वो थोड़ी चेंज है, आप देखिएगा जो वर्स पार्ट है ना उसमें आपने जी से सी दो दफा करना है, चन्ना वेके ना साडे वाले हसवे, ठीक है, वेके ना साडे वाले हसवे, साडे माफे करंगे शकवे। ठीक है, अब जो वर्स की पहली पहली मतलब पहली लाइन तो दो दफा रिपीट होती है, वो आपने जी और सी दो दफा रिपीट करना। तीसरी लाइन जो होगी वर्स की और आखिरी लाइन है, उसमें आपने ई माइनर और सी दोनों कॉर्ड बजाना है एक ही लाइन पे, यानी वेके ना साडे वाले हसवे, चन्ना वेके ना साडे वाले हसवे, साडे ई माइनर करंदे सी। ठीक है, और फिर इसके बाद लट्ठी चादर। अब ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना इसका स्ट्रम पढ़ने में बता देता हूँ आपको, जस्ट फॉर अ चेंज, मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए सॉन्ग को। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कॉरस जिस तरह बजेगा वही कॉर्ड सी ट्रांजिशन है, बस इसमें स्ट्रमिंग थोड़ी चेंज है। स्ट्रमिंग बेसिकली क्या है, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है, इसको भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लें, डाउन पहला पार्ट है, डाउन डाउन सेकंड पार्ट है, अप डाउन अप, ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट है डाउन डाउन। ठीक है, ये देखिए, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन बीच में फिलर डाल रहा हूँ। ठीक है, अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन, ये बीच में फिलर है जो मैंने आपको पहले स्ट्रमिंग तीन पार्ट्स वाली बताई, वो ये डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन चेंज। ठीक है, अप डाउन अप डाउन, ये फिलर है, स्ट्रमिंग अलग से है और फिलर अलग से है। ठीक है, स्ट्रमिंग देखिएगा फास्ट वाली, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन फिलर चेंज, अप डाउन अप डाउन डाउन फिलर चेंज, अप डाउन अप डाउन।
ट्रेलर के बगैर देखो। बेसिकली आपने बीच में अप डाउन बीच में करना है, तभी उसका जो है वो टेस्ट आएगा मतलब सही से। ठीक है, अभी देखें, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ये तो आपकी पहली मैंने स्ट्रमिंग आपको उसका ही, पर उसके बाद अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ये फिलर आ गया, और फिर ही साथ में कॉर्ड शिफ्ट डाउन अप डाउन अप डाउन 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 डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। ठीक है। अच्छा, और एक और बात, ये जो कैपू है, कैपू बेसिकली ये जो मैंने कॉर्ड बताया आपको, ये बेसिकली चलेंगे इस तरह ही जैसे चला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप कैपू को आगे पीछे कर ले, मैंने अपनी वॉइस के हिसाब से थर्ड फ्रेट पे लगाया हुआ है ताकि मैं इजीली गा सकूँ। तो आपको अगर हाई लग रहा है तो आप उसको लो कर लें, ठीक है, सेकंड फ्रेट पे, फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। अभी आपको हाई लग रहा है तो आप इसको कैपू को रिमूव कर दें, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये थर्ड फ्रेट वाला ही लो लग रहा है तो आप इसको हाई कर लीजिएगा, फिफ्थ फ्रेट पे ले जाएं, ठीक है। कॉर्ड सेम रहेंगे, प्रोग्रेशन सेम रहेगी, और जो स्ट्रमिंग तरीका है वो सेम रहेगा। ठीक हो गया, ये था इसका लेसन। सब्सक्राइब मारो, आगे लेसन आ रहे हैं, और हार्ट बीट स्टाइल से भी लेसन मैं जल्दी डालूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।